गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपनी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड यूनिट जो है हमारी फिजिक्स की, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब तक पहले हम ये थोड़ा याद कर लें, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने चार्ज पढ़ा, चार्ज की क्वालिटीज़ पढ़ी, चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ा। देन वी स्टडीड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज कूलम्स लॉ। And then we studied a system of two charges having separation between them and having same polarity, opposite polarity but same magnitude of charge, that is electric dipole. और उस electric dipole के कारण electric field किस point पर क्या होगी, किसी point charge के electric field क्या होगी, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हमने electrostatic potential पढ़ा, electrostatic potential energy पढ़ी, कैपेसिटर पढ़े, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस पढ़े, कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, कैसे उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अब तक अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में पढ़ चुके हैं। और आज हम अपनी सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग एक बहुत जनरल, वैसे भी आप लोग टेंथ में पढ़ चुके होंगे कि करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। मान लीजिए ये कोई हमारा ट्यूब है पानी का, है ना, वाटर ट्यूब है, घर में होता है ना पाइप जिससे हम लोग पेड़ों वगैरह पानी वगैरह डालते रहते हैं। अब उसमें ये जाहिर है पानी गिर रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो जो चार्ज का फ्लो है वो किसी वाटर ड्रॉप के फ्लो जैसा ही है। पानी आपने देखा होगा हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ जाता है, ऊंचाई से हम लोग कहते हैं ढलान पर पानी जाता है, तो वैसे ही चार्ज है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और बस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के जाने के दौरान जो जो गतिविधियां वो करता है, उन्हीं गतिविधियों को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो एक बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीका है, हम लोगों ने अगर हम करंट को समझें तो दैट इज आई इक्वल्स टू dQ/dt, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। अब मान लीजिए दो कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, बहुत जल्दी फ्लो हो गया या धीरे धीरे फ्लो हुआ, पर फ्लो दो कूलम भी हुआ तो फर्क क्या पड़ा, इस चीज को पहले समझिए भाई। मान लीजिए अगर यहां पे हमने दो कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो किया तो हमारी करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, और वही अगर हमने दो कूलम चार्ज 10 सेकेंड में फ्लो किया तो करंट की वैल्यू होगी 0.2 एम्पियर। फिर वही दो कूलम चार्ज 100 सेकेंड में फ्लो कर दिया, करंट की वैल्यू होगी 0.02 एम्पियर, है ना। इट मींस कितना चार्ज जा रहा है उससे फर्क एक्चुअली नहीं पड़ रहा है, आप कितनी देर में उसे भेज रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू फ्लो द चार्ज, दैट मेक्स द करंट ग्रेटर। ओके, अब 0.02 एम्पियर अगर आपकी बॉडी से फ्लो करा दे रहे हैं तो दैट्स नॉट, देयर इज नॉट अ वेरी बिग डील। 0.02 एम्पियर कोई बहुत बड़ी करंट नहीं है, बट 2 एम्पियर दैट इज अ वेरी हाई करंट, ये आपको बहुत ज्यादा फील दे जाएगी। तो कहने का अर्थ यहां पर ये है कि ये जो dQ/dt फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इसमें जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो है रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट, कितने टाइम में आप चार्ज को फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट हम कुछ चीजों को समझते हैं कि करंट dQ/dt यूनिट इज की एम्पियर, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल तो पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके थे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए किसी भी पॉइंट चार्ज का आप जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन जब पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाला जाए तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। बात समझते हैं अब यहां पर कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इन्फिनिटी का मतलब यहां कोई बहुत दूर बहुत लंबी रेंज से नहीं है,
इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो हमारी रेंज से बाहर है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी वॉइस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति इस वीडियो की आवाज को सुन पा रहा है? वो नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि आपके फोन की ऑडियो रेंज के लिए वह व्यक्ति इनफाइनाइट पॉइंट पे बैठा है। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफाइनाइट वर्ल्ड। वेल, तो इन सब चीजों से रिलेटेड होकर हम लोगों को इस चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, दैट इज सम टर्म्स विच वी हैव टू डिस्कस एंड लर्न इन दिस चैप्टर। लेट्स डिस्कस ऑन दोस टर्म्स ऑल्सो। तो यहां पर ये अगर पोटेंशियल है तो दैट इज जूल पर कूलम, या हम इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो ये तो वो कॉमन कॉन्सेप्शन है जो आप लोग टेंथ में भी एक्चुअली पढ़ चुके हो। Now we move to the derivation part that is very important in this chapter, that is current through a charge, current through a wire. Okay, current through a wire. Okay, in order to understand the current through a wire, we must understand three important terms. One is drift velocity. Relaxation time. And charge per unit volume. किसी भी कंडक्टर वायर के थ्रू होकर गुजरता है तो हमें पता है कि जो कंडक्टर्स हैं उनको कंडक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता हुआ आगे बढ़ता है। अब इस कोलिजन के दौरान मान लीजिए हम किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन का हम एक पार्ट आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का एक शिमेटिक स्ट्रक्चर है और उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और जो हमारे ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये इससे टकराने के बाद वो इधर चला गया, फिर वो इधर चला गया, यू नो। तो इस तरह वो लगातार सक्सेसिव कोलिजन करता है और इन कोलिजन्स के कारण उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज होता है और उन चेंज के कारण जो एक एवरेज वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टकराना, बिल्कुल जैसे किसी कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर इधर उधर टकराता है। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर और से समझना है ना तो एक मूवी आई थी 2013 यानी 12 में, दैट इज फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट। आप वो मूवी देखो आपको ड्रिफ्ट का सेंस समझ में आ जाएगा। है ड्रिफ्ट का मतलब खिसकने से है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो फ्लो जो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किसी वायर से होकर गुजरता है तो वायर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टकराने के कारण हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है एंड दैट चेंज इज बेसिकली कॉल्ड द एवरेज ऑफ दोस वेलोसिटीज चेंजेस इज कॉल्ड द कंसीडर द होल content velocity is called drift velocity. So that is drift velocity. Now the relaxation time between two successive collisions. लगातार दो successive collision के बीच में जो time लगता है उसको that is called relaxation time. और उसको हम tau से represent करते हैं actually here. और drift velocity को vd से represent करते हैं। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये बड़ा सिंपल चीज है कि किसी वी वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं उनकी संख्या को हम यहां बात कर रहे हैं। तो इसके बेस पे हम किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैसी क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मान लीजिए किसी कोई चार्ज सॉरी
आवाज आ रही है, जाते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सपोज हमारा एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है ई, जो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स लग रहा है एफ सी। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन का मास एम है तो इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो मैकेनिकल फोर्स एफ एम इज एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें फॉर इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द मैकेनिकल फोर्स। सो ई टाइम्स इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑन एनी चार्ज इनसाइड द वायर इज ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एज्यूम कर लीजिए कि लेट्स एज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो स्मॉल एन है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर तक की जो वेलोसिटी है, अगर हम उस वेलोसिटी को निकालें तो सपोज भाई न्यूटन का फॉर्मूला है, पता है, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a t1, ठीक। और अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो दैट इज a tau। सो v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a tau, v3 इक्वल्स टू u3 a tau, और इन एंड सो ऑन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वी एम इक्वल्स टू यू एम प्लस ए टाउ एम। नाउ फॉर कंसीडरिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एड ऑल दीज वेलोसिटीज, दैट इज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर एंड सो ऑन एंड जस्ट डिवाइडेड बाय द, सो दिस इज कॉल्ड आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करंट वी कंसीडर दिस सेम वेलोसिटी एंड वी एज्यूम अ वायर व्हिच इज अलोंग विद द टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, ठीक है, ये वायर का वो हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रॉन का पहला कोलिजन मान लीजिए यहां हो गया, दूसरा कोलिजन यहां हो गया, यानी इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, ठीक है। और लगातार दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो जिस वेलोसिटी से मूव किया है वो वेलोसिटी हमारी वीडी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। तो इस पूरे पाथ की लेंथ क्या होगी, पाथ की लेंथ दैट इज vd इक्वल टू लेंथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम tau। सो पाथ की लेंथ हो जाएगी लेंथ इक्वल टू वेलोसिटी vd टाइम्स tau। और अगर हमारे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल a, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल a है, तो इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर जैसा एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है जो हमारा वायर है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज एरिया इनटू लेंथ व्हिच मींस एरिया टाइम्स वी डी टाइम्स टाउ। टारगेट क्या है, करंट निकालना क्या है हमको, करंट। सो करंट मींस चार्ज अपॉन टाइम दैट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होगा q इक्वल्स टू, अब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो दैट इज n टाइम्स e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, n टाइम्स वॉल्यूम, यही तो टोटल चार्ज की वैल्यू है। सो वॉल्यूम की वैल्यू आप रख दीजिए n टाइम्स e टाइम्स a टाइम्स
vd times tau. So just put this value into this equation. We get MEA vd tau by tau. On cancelling relaxation time, we get I equals to MEA vd. I नहीं है VD. ठीक है, छोटा था मैं तो 11 12th में जब मैं था तो इसी तरह याद कर लेता फॉर्मूला. I नहीं है BD. BD होती ना वो धूम्रपान यंत्र. I नहीं है BD. हमें निकालनी है करंट डेंसिटी. तो डेंसिटी का मतलब होता है समथिंग क्वांटिटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम. अब चूंकि करंट एरिया के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रही है, सो फॉर कैलकुलेटिंग द करंट डेंसिटी we take this area term into denominator and we get the current density, that is J equals to I by A equals to N E V D. So I nahi A V D, J nahi V D. So this is the formula for current through a wire and current density of through a wire. So current density ka agar aap unit nikale, so that is ampere per meter square, ampere per meter square. Okay, so I hope we should conclude this lecture over here, and tomorrow we will start this particular whole unit. Aur dheere dheere step by step hum isme aage numericals perform karenge, kuch bahut interesting derivations karenge. Aur ohm's law jo aap logon ne 10th mein padha hai wo is saal bhi aap log padhenge. Aur us ohm's law ko jo drive करने का एक बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन है जो आप 10th में नहीं पढ़ पाते हो, वो भी आप इस साल इस सिलेबस में पढ़ोगे. टिल देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू लर्नर्स.